गुरुदेव प्यारे हो, जन जन के सितारे हो। निश्चित रूप से आज हम इसी माहौल में, इसी माहौल को देखने के लिए लगे हैं कि आज जन जन की आस्था के केंद्र पूज्य सौभाग्य जी महाराज साहब का हम श्रवण दिवस आज मना रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कमला जी चौधरी से और उसके पश्चात मैं चिंतन सिंह जी महाराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि धर्म सभा को अपना उद्बोधन दें। कमला जी, गुरुदेव श्री की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। अत्र विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ वंदन नमन। उपस्थित महानुभावों, सीलवान माताओं और बहनों, कहता यही है दिल हमारा कि हसीन वो हर पल था जो गुरुदेव के साथ गुजारा। किस्मत ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पर अवश्य मिलेंगे दोबारा। साथ रहा न रहा यादें रह गई, एक एक घटना नज़र के सामने आ गई। मिले ना मिले गुरुदेव ये हम नहीं जानते, लेकिन मिलने के इरादे हर पल रहेंगे, हर पल रहेंगे। आइए ऐसी कौन सी भक्ति करें जिससे गुरुदेव दर्शन दे दें। चलिए भक्ति के सराबोर होकर डूब जाते हैं। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम दर्शन दे देना। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम दर्शन दे देना। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, मैं ही मीरा मैं ही सबरी। राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखाओ गुरुदेव कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, शबरी ने भक्ति से ही श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम दर्शन दे देना। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है, हाँ मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है। मैं अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक न जाऊं गुरुवर में तो, भटक न जाऊं गुरुवर में तो, थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान ही हम पर देना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखाओ गुरुदेव। मैंने गुरु भक्ति में तो दिन रात लगाई है, हाँ मैंने गुरु भक्ति में तो दिन रात लगाई है। हो निष्कंप हृदय से चरणा दीप जलाई है। बुझन जाए श्रद्धा ज्योति, बुझन जाए श्रद्धा ज्योति, हाथों से तुम लेना। तेज हवाओं में भी गुरुवर, तेज हवाओं में भी गुरुवर, थाम मुझे तुम लेना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखाओ गुरुदेव। जय जनंद्र जय। एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखाओ गुरुदेव, ऐसी सभी की मंशा, सभी की मंशाओं को ध्यान में रखते हुए कमला जी ने सबकी भावनाएं, सबके माध्यम से भावनाएं व्यक्त की। अब मैं